लॉर्ड हालेलुया, और एक मौका प्रभु दिया है आप लोग के साथ ये बाइबल स्टडी के द्वारा बात करने के लिए, इसलिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। पिछला दो दिन से हजार साल का साम्राज्य में किसी तरह की होगा उसके बारे में आप लोग को हम स्टडी देते आ रहे हैं। आज अगला सब्जेक्ट भी हम देंगे ताकि हजार साल के राज्य में परिपूर्ण शांति रहेगा। मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं ऐसे नबी का किताब उसका 9:6 से लेकर पढ़ते समय, ऐसे नबी का किताब उसका 9:6, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, प्रभुता हजार साल का राज्य उनके कंधे पर होगा, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, और शांति का राजकुमार। प्रभु यीशु मसीह का और एक नाम है शांति का राजकुमार, अपना नाम के अनुसार ही उनके राज्य में क्या होगा, परिपूर्ण शांति रहेगा। हम पहले बताया कोई पागल नहीं रहेगा, कोई चिंता चंचल बेचारा शांति बिल्कुल नहीं रहेगा, बिल्कुल सारी दुनिया पर शांति रहेगा, परिपूर्ण शांति से राज्य करेगा। ओके, अगला वजह लेकर बड़े वैसे नबी का खिताब उसका 2:18 में लिखा है, उसी देश में कोई झगड़ा नहीं रहेगा, युद्ध नहीं रहेगा, और उस समय में उनके लिए वन पशु और आकाश के पक्षियों और भूमि पर के रेंगने वाले जंतुओं के एक एक से देखिएगा, उस दिन में वन पशुओं, आकाश के पक्षियों, भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं के साथ वाचा बांधा रहेगा, और धनुष और तलवार तोड़कर, युद्ध को उनके देश से दूर करूंगा तो यहाँ पर युद्ध का मतलब ही नहीं रहेगा, बिल्कुल शांति, हर जगह पर शांति, विश्राम। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है ऐसे नबी की किताब 2:4 में, कोई भी जाति अभी हथियार नहीं उठाएगा, जाति जाति का न्याय करेगा, और देश देश के लोगों में झगड़ों को मिटाएगा, जाति जाति के लोगों को राज्य करेगा, और देश देश के लोगों को क्या करेगा, झगड़ा को मिटा देगा। हाँ, और वे अपनी तलवारें पीट कर हल्के फाल और अपने भालों को हसिया बनाएंगे, हसिया बना देगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या करेगा, तलवार पूरा अभी हथियार को पूरा क्या करेगा, चेंज करेगा, उसका फैक्ट्री नहीं रहेगा, हथियार बनाने वाला फैक्ट्री नहीं रहेगा, बंदूक नहीं रहेगा, ऑटो बम नहीं रहेगा, न्यूक्लियर बम नहीं बनाया जाएगा, और किसी प्रकार की केमिकल वॉरफेयर का कोई भी हथियार नहीं बनाया जाएगा। फ्री तला सगरिया और 9:10 में भी पढ़ो, 9:10 मैं इफ्रेम के रथ और यरूशलेम के घोड़ों नाश करूंगा, और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे, और अन्य जातियों से शांति की बातें कहेगा, वो लोग शांति का बात करेगा, और वह समुद्र से समुद्र तक, और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा, वो सारी दुनिया का कोना तक प्रभु यीशु मसीह प्रभुता करेगा। और मीका का 4:3 में लिखा है, जाति के विरोध में और दूसरा जाति कभी भी हथियार नहीं उठाएगा। में भी पढ़ेंगे, एक जाति दूसरा जाति के साथ किसी प्रकार से हथियार नहीं उठाएगा। वो बहुत देशों के लोगों को न्याय करेगा, और दूर बहुत देश का लोगों को न्याय करेगा, और दूर दूर तक की सामर्थ्य जातियों को झगड़े को मिटाएगा सो कि वे अपने तलवारें पीट कर हल्के फाल और अपने भालों से हसिया बनाएंगे, तब एक जाति दूसरे जाति के विरुद्ध तलवार फिर ना चलाएगा। ऐसा एक अभी जो लोगों का कल्पना में भी नहीं आ सकता, उसी तरह के एक देश आने वाला है। और लोग आगे कोई युद्ध विद्या नहीं सीखेंगे। युद्ध विद्या ट्रेनिंग सेंटर नहीं होगा, आर्मी ट्रेनिंग सेंटर नहीं होगा, आर्मी स्कूल बंद हो जाएगा, सारे आर्म्स और एमिनेशन का फैक्ट्री बंद हो जाएगा, जो हर देश अपना कमाई का तकरीबन 1/2 से ज्यादा आर्मी के लिए इस्तेमाल करता है, वो पैसा पूरा बचत हो जाएगा। कमाई का कुछ देश है आधा आर्मी के लिए खर्चा करता है, 1 घंटा में कई अरबों डॉलर आर्मी के लिए खर्चा होता है, इतना लाखों करोड़ों लोग का थंका से लेकर, थंका नहीं है, एक मिसाइल फायर हो जाएगा तो कितना लाखों रुपया खत्म हो गया। मेरा हिसाब से जो मिसाइल में जो कितना बड़ा बड़ा मिसाइल है, 2000 किलोमीटर 5000 किलोमीटर जाने वाला बड़ा बड़ा मिसाइल है, उसके ऊपर छोड़िए, सबसे कम छोटा सा एक मिसाइल है 2 किलोमीटर मारने वाला, सबसे छोटा ऐसा टाइपराइटिंग मशीन जैसा रहेगा,
वो छोटा सा छोटा उसका एटीजीएम, वो वहाँ पर का एक छोटा सा मिसाइल है, उसी एक मिसाइल फायर कर दिया मालूम है तकरीबन आज के हिसाब से 10 या 12 लाख रुपया खत्म हो गया एक चिड़की में, एक राउंड एक मिसाइल फायर किया तो समझिए तो कैसा होगा। एक सबसे छोटा सा छोटा जो है उसका लॉन्च है, इतना टाइपराइटिंग मशीन है ना उतना ही रहेगा, उसके ऊपर लॉन्च किया जाएगा, बस ट्रिगर दबा दिया है, बस लॉन्च लॉन्च जैसे आउट हो गया, मिसाइल आउट हो गया। तकरीबन 10 लाख से 12 लाख रुपया एक मिसाइल का खर्चा है सबसे छोटा, तब तो बाकी कितना करोड़ों का अरोड़ों का है एक एक मिसाइल, ये नहीं है इतना आसान नहीं है, मिसाइल का बना रहे कितना लाखों रुपये का खर्चा है, बहुत खर्चा है। प्रेतला उसके अंदर पूरे कंप्यूटर रहता है, पूरा कंप्यूटर रहता है, उसको इतना टेक्निकल से बनाना पड़ता है ताकि लेंजर से टिकर दबा दिया बस 0.5 वोल्टेज का या 3 वोल्टेज का करंट पास हो गया, वहाँ पर जाके पीछे क्या कर दिया उसको जो है उसको डिटनेटर पर मार दिया, डिटनेटर फट गया था, उसके साथ लिरिल सिस्टम स्टार्ट हो गया तो फायर हो गया, लंच से निकल गया पीछे बहुत बड़ा धमाका के साथ। अभी आगे निकलने का बात भी उसका क्या यहाँ से कंट्रोल कर सकते, देने करना, बाय करना, ऊपर करना, नीचे करना, जो टारगेट आपको दिखाई देगा टारगेट को देखकर और टारगेट को देखना और मिसाइल को देखना, टारगेट कहाँ जा रहा है मिसाइल को उसके साथ 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 घुमा कर लेकर जाके उसको मार सकता है। इसी तरह से पूरा कंप्यूटर सिस्टम है, उसके अंदर इतना पैसा बर्बाद होता है, इतना पैसा बर्बाद होता है, इतना पैसा बर्बाद होता है, ये पूरा बच जाएगा, पूरा बेकार नहीं जाएगा, सब बंद, आर्मी का ट्रेनिंग बंद, आमिनेशन बंद, सब बंद। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, और लोग अपने दाखलता और अंजीर के वृक्ष के तले बैठा करेंगे, बैठा करेंगे, अपना अपना वृक्ष के नीचे बैठकर शांति से खाएगा पिएगा, सुबह बाद में पढ़ कर देख लीजिएगा प्रकृति में क्या क्या अटसा है, मतलब भूकंप आता है, ज्वालामुखी आता है, सुनामी आता है, आंधी आता है, तूफान आता है, तो ये सब कुछ बंद हो जाए, सारी आंधी तूफान को थामने वाला, उसका बंद करने वाला, शांति रोक करके उसका हुक्म देने वाला आज सिंहासन पर बैठा है, ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। किसी प्रकार की इसी तरह वो किसी प्रकार कुदरत का किसी प्रकार की नुकसान उन लोग का जीवन में कभी नहीं आएगा, पूरा ऐसा गोल्डन एज, गोल्डन एज बोलते हैं, वो गोल्डन एज होगा, एक बहुत बड़ा महिमा का होगा। तो यहाँ पर आप नोट कर दीजिएगा ताकि बाद में आप पढ़ सकते हैं वजन संगीता उसका 45 का 7, ऐसा नबी का किताब उसका 11 का 5 और ऐसाया 59 का 16, जरेमिया 23 का 5, ये पूरा आप देख सकते हैं, एक मग्मा के साथ एक राज्य वहाँ पर होगा। अब अभी हम लोग अगला में आप देखेंगे वो राजा के साथ एक राजा थी भी होगा, रानी भी होगा, प्रेज द लॉर्ड, वो रानी कौन होगा, प्रेज द लॉर्ड, ताकि प्रभु यीशु मसीह के साथ जो 7 साल जो एंटीक्रिस्ट का राज्य चलता था, जो स्वर्ग में क्या होता है, जो प्रभु यीशु मसीह का विवाह होगा अपना दुल्हन के साथ, प्रेज द लॉर्ड। और प्रकाशित वाक्य उसको 19:7 से लेकर पढ़ते समय आओ आनंदित और महान करेंगे, क्योंकि मेमना का विवाह आ पहुंच गया, उनका पत्नी ने अपने आप को तैयारी किया, उसके शुद्ध और मैन चमक मैन मलमल करने का अधिकार दिया गया। ये मैन मलमल का अर्थ यही है जो उनका पवित्र लोगों का उनका धर्म का काम, इसी तरह के एक शुभ में होकर जो प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन का एक विवाह होगा, शादी होगा। प्रेज द लॉर्ड। शादी होने के बाद क्या करेगा, होमवर फिस्ट है, उसके बाद बहिरंग आगमन में ईश्वर आते समय क्या आएगा, वो अपना दुल्हन के साथ आएगा, पहले आते समय स्वर्ग दूतों का शब्द के साथ आया, अभी क्या करेगा, स्वर्ग से उतरते समय प्रभु यीशु मसीह अपने दुल्हन के साथ आएगा। मेला तो लेकर पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 19:11 से लेकर पढ़ते समय, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वह धार्मिकता के साथ न्याय और लड़ाई करता है, उनकी आंखें आग की ज्वाला है, उनके साथ उनका दुल्हन भी आएगा। प्रकाशित वाक्य उसका
19 का 14 पढ़ेंगे। स्वर्ग के सेना श्वेत घोड़ों पर, श्वेत घोड़े पर स्वर्ग का सेना, जो सेना उनके साथ उठा लिया गया है वो सेना सवार सवार और श्वेत और शुद्ध, श्वेत और शुद्ध और मलमल पहने हुए उनके पीछे पीछे, उनके पीछे पीछे वो लेता है। ध्यान दीजिएगा, तो यीशु मसीह आएगा, यीशु के साथ उनका दुल्हन आएगा, जो दुल्हन विवाह के समय में जो वस्त्र पहना था उनका सफेद और चमक और मैन मलमल मिलने का अधिकार दिया, अधिकार दिया मतलब क्या, और कोई नहीं पहन सकता, सिर्फ दुल्हन पहन कर आएगा। यीशु के साथ साथ उनका दुल्हन आएगा, उसके बाद उनके साथ उठा लिया गया, सारी पवित्र लोग भी आएंगे, हजारों लाखों पवित्र लोग के साथ आएगा। इसलिए यूदा उसी में हम 14 में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह और उनका आगमन के बारे में, एनोक 4000 साल पहले ही, 6000 साल पहले ही भविष्यवाणी कर दिया। पढ़िएगा, और हनोक ने भी जो आदम से सातवीं पीढ़ी में था इसके विषय में भविष्यवाणी किया, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्र लोगों के साथ आया। तो यहाँ पर देख सकते हैं लाखों अपना पवित्र, इस बार आते समय बहिरंग आगमन में स्वर्गदूतों के साथ नहीं आएगा, पवित्र लोगों को साथ आएगा। हालेलुया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसलिए वो रानी क्या करेगा, यीशु मसीह के साथ राज्य करने के लिए वो भी आएगा। हजार साल के राज्य में पवित्रता किसी तरह की रहेगा, मिला तो आप लेकर पढ़ सकते हैं ऐसे नबी का किताब उसका 60:21 में, ऐसे नबी का किताब उसका 60:21। तेरे लोग सबके सब धर्मी होंगे, तेरे लोग सबके सब 100% सब लोग धर्मी रहेंगे, वे सर्वदा देश के अधिकारी रहेंगे, वे मेरे लगाए हुए पौधे और मेरे हाथों का काम ठहरेंगे। ओके, जेरेमिया नबी का किताब उसका 31:33 प्रभु बोल रहा है, अभी हम मेरा सारी कलाम, मेरा सारी व्यवस्था लिखवा के उन लोग हाथ में नहीं देंगे, उसके डायरेक्ट क्या कर देंगे, उसके हृदय में लिख देंगे। पढ़िएगा, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था, अपना व्यवस्था मतलब सारी प्रभु का कलाम नियम उनके मन में संवाऊंगा, उनका मन में क्या कर दूंगा, संवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, उसके हृदय में लिख दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। प्रभु बोल रहा है उस दिन में क्या होगा, कोई सब 100% धर्मी रहेगा, इतना भी नहीं, उनको सारी कलम उनके हृदय में हम क्या करते हैं लिख दूंगा। एसेकियल का किताब उसका 11:19 में भी इस बात को आप देख सकते हैं, एसेकियल का किताब उसका 11:19 मैं उनका हृदय पर एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनके देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर, उनका हृदय उनके देह से पत्थर का हृदय को निकाल कर मांस का हृदय दूंगा, मांस का हृदय दूंगा उसके हृदय को। देखिए अभी तो बहुत लोग क्या कहते हैं हार्ट चेंज करने वाला वो बहुत कुछ ऑपरेशन करता है, हार्ट फेलियर हो जाता है, वाल फेलियर हो जाता है, लेकिन प्रभु क्या करेगा, सबको हार्ट ही चेंज करेगा। क्यों, हार्ट सारी बुराई को उत्पन्न होता है, प्रेतलाट बुराई को उत्पन्न करने वाला शैतान को भी पकड़ के बांध लिया, अभी हर एक हार्ट को भी क्या कर देगा, प्रभु क्या करेगा, हार्ट प्लांटेशन ऑपरेशन कर देगा। प्रेतलाट तो और भी मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं एसेकियल उसका 36:24-27 मैं तुमको जातियों में से ले लूंगा और देशों में से इकट्ठा करूंगा और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, तुम शुद्ध हो जाएगा, मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा, मैं तुमको नया मन दूंगा, मैं तुमको एक नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा, तुम्हारा भीतर में एक नया आत्मा दूंगा और तुम्हारे देह में से, तुम्हारा देह में से पत्थर का हृदय को निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा, तुमको मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया, अब मिला तो और एक वचन भी पढ़ सकते ऐसे नबी का किताब ताकि 45:23 में उस दिन में कोई पाप नहीं करेगा, सबके हृदय को प्रभु चेंज करेगा, सबका दिमाग को प्रभु चेंज करेगा, सबका दिमाग चेंज कर देगा। मैंने अपनी ही शपथ खाई धर्म के अनुसार मेरे मुख से यह वचन निकला है और यह नहीं चलेगा, प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा, प्रत्येक घुटना मेरा सम्मुख में झुकेगा और प्रत्येक के मुख से, प्रत्येक का मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी, मेरा ही शपथ खाया जाएगा। प्रभु सबको सब कुछ
चेंज कर देगा, सबका जिंदगी चेंज कर देगा। इसको सकरिया 14 का 20-21 में लिखा है, उस दिन में सारी घोड़ों को मणियों में भी पवित्र लिखा जाएगा। हालेलुया, मेरा तो बात में पढ़ लीजिएगा ताकि अगला हम लोग जाएंगे। फाइनेंशियल कंडीशन सबसे टॉप में रहेगा, प्रेज द लॉर्ड। कोई झाड़ू मारने वाला भी कार में आएगा, झाड़ू मारेगा कार में जाएगा, प्रेज द लॉर्ड। सबका फाइनेंशियल कंडीशन, कोई गरीबी नहीं रहेगा, गरीब उस दिन में नहीं रहेगा, प्रेज द लॉर्ड। सबका फाइनेंशियल कंडीशन ऊंचा में रहेगा, क्यों? फालतू खर्चा नहीं है, बम बनाने का आर्मी के लिए, उसके लिए इसके लिए पूरा खर्चा कदम, मेडिकल के लिए कितना खर्चा कदम, मेडिकल कॉलेज ही खत्म हो जाएगा, वो आर्मी ट्रेनिंग सेंटर खत्म हो जाएगा, इससे बहुत कुछ फैक्ट्री क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, तो क्या हो जाएगा, सबका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा ऊंचे दर्जे, आपका फालतू एक पैसा का खर्चा नहीं होगा, आपका कमाई आप नीचे खाएगा, प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह की एक बहुत बड़ा महिमा का एक दिन आ रहा है, प्रेज द लॉर्ड, 1000 साल का राज्य। उसके लिए आज से आप अपने आप को तैयारी कीजिएगा, एक महिमा का जगह। अब बहुत लोगों का ये कहना है भाषा क्या रहेगा, बहुत अच्छा है सर, लैंग्वेज हम हिंदी बोलते हैं, बंगला बोलते हैं, बिहारी बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, मजबूरी बोलते हैं, क्या क्या लैंग्वेज है, तो तकरीबन दुनिया में 6700 से ज़्यादा लैंग्वेज है, प्रेज द लॉर्ड। अभी उस दिन में लैंग्वेज क्या होगा, प्रेज द लॉर्ड। मिला तो आप लेकर पढ़ सकते हैं सेपनिया का किताब, उसका 3:9 में, सेपनिया बसदिता का किताब 3:9 में, मैं उस समय देश देश के लोगों से, देश देश के सारी लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बोलवाऊंगा, एक नई और शुद्ध भाषा बोलवाऊंगा, सारी देश देश का लोगों से क्या करेंगे, एक नई, वहां पर लिख दिया अंडरलाइन, नई और शुद्ध भाषा बोलवाऊंगा। प्रभु बोल रहा है, मैं ये भाषा पूरा किसके हाथ में, प्रभु के हाथ में है, प्रेज द लॉर्ड। जब आप देख सकते हैं उत्पत्ति का किताब, वहाँ पर 11:1 में क्या था, सब एक ही भाषा था, वर्ल्ड में एक ही लैंग्वेज था, पढ़िएगा उत्पत्ति उसका, सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी, एक ही भाषा था और एक ही बोली थी, एक ही बोली, एक ही भाषा, सारी पृथ्वी में एक ही भाषा था, एक ही बोली था, लेकिन 9 में पढ़ते समय, और इस कारण उस नगर का नाम बेबलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा, सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है, गड़बड़ी है, वो यहोवा ने वही डाली थी, यहोवा वहां पर ही डाला, 6 से लगे पड़ेगा आपको समझ में आएगा, और यहोवा ने कहा मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी इनकी एक ही है, भाषा भी इन लोगों का एक ही है, और उन्होंने ऐसे काम भी आरम्भ, ऐसा काम भी आरम्भ किया, और अब जितना भी करने का यत्न, जितना भी करने का यत्न किया, उसमें उनके लिए अनहोना कुछ ना हो, इसलिए आओ हम उत्तर कर उनकी भाषा में गड़बड़ी, उनका भाषा में गड़बड़ी डाल देंगे, कि वो एक दूसरे की बोली को एक दूसरे का बोली को ना समझ पाए। ध्यान दीजिए, काम प्रभु ने किया, उसी काम को जो बिगड़ाया वही काम को केवल प्रभु ही दोबारा सुधरा सकता है, प्रेज द लॉर्ड। आज इसलिए नया नियम के लोगों को आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा का अभिषेक द्वारा अन्य भाषा को दिया है, प्रेज द लॉर्ड। ये अन्य भाषा क्या है, वो मीनिंगलेस नहीं है, प्रेज द लॉर्ड। ये हो सकता है आने वाला दिनों में इसके द्वारा भी सारी दुनिया का भाषा को प्रभु एकता कर देगा, प्रेज द लॉर्ड। क्यों है, उसी में एक वरदान था, क्या वरदान था, भाषा को ट्रांसलेट करने का वरदान था, भाषा का अनुवाद करने का वरदान था, प्रेज द लॉर्ड। तो ध्यान दीजिएगा, सब कुछ प्रभु के हाथ में है, इसे मैं दिन में सारी जातियों का क्या करूँगा, एक नया और शुद्ध भाषा बोलवाऊंगा, प्रेज द लॉर्ड। आप मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं, तो वो भाषा कौन सा होगा, इंग्लिश होगा या हिंदी होगा या जापानी होगा, क्या भाषा होगा, प्रेरितों का काम उसका 26 का हम 14 पढ़ेंगे, प्रेरितों का काम उसका 26 का 14। और जब हम सब भूमि पर गिर पड़े तो मैंने इब्री भाषा में, ता पॉल गवाही दे रहा है, हम सब जब आकाश में उजाला देखा, उजाला के देखकर हम लोग सब गिर पड़ा है, तब आकाश में इब्री भाषा में, ध्यान दीजिए, अंडरलाइन कीजिए, इब्री भाषा में मुझसे कहते हुए ये वाणी सुनी, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। उसी दिन में सारी दुनिया में क्या लैंग्वेज बोला जाता है, ग्रीक भाषा बोला जाता है, तो उसी वक्त प्रभु क्या भाषा से बात किया, इब्रू भाषा।
इब्रू भाषा क्या है? प्रभु का 10 कलाम कौन सा भाषा में मिला है? इब्रू भाषा में प्रभु लिखवा के दिया है। प्रेज द लॉर्ड। इब्रू भाषा में प्रभु क्या किया है? लिखवा के दिया। लेकिन उस टाइम कौन सा देश में था? वो मिस्र देश में था। लेकिन मिस्र भाषा में प्रभु लिख के नहीं दे दिया, तो क्या भाषा में? इब्रू भाषा में लिख कर दिया है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ ताकि आने वाला दिनों में सारी दुनिया का एक लैंग्वेज होगा वो इब्रू भाषा हो सकता है। थाली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। इसी तरह बहुत कुछ बातें बोलते जा सकते हैं। इसी तरह जो प्रभु का आगमन में एक बहुत बड़ा महिमा का एक राज्य शुरू होगा, 1000 साल का राज्य, उसका और भी बहुत बातें बोलते जा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। उधर का दो किस्म का लोग रहेंगे, एक प्रभु का जो महिमा पाया हुआ देह के साथ यीशु के साथ उतरने वाला एक ग्रुप रहेंगे, उसके बाद दुनिया में आम आदमी जैसा हम लोग का जैसा आदमी है वो लोग खाएंगे पियेंगे काम करेंगे कमाएंगे घर घर बनाएंगे शादी विवाह करेंगे बच्चा पैदा करेंगे एक दिन मर जाएंगे वो लोग भी रहेगा। और प्रभु के साथ जो आया है वो लोग को महिमा पाया हुआ शरीर है, उसके बारे में तो आपको बोल दिया है। वो लोग कभी प्यास नहीं लगता है, कभी भूख नहीं लगता है, वो लोग का आराम थकेगा नहीं, आराम करेगा जो। इसी तरह यीशु के समान रूपांतर पाया हुआ एक शरीर के साथ आएगा, वो लोग सारी दुनिया को न्याय करेगा। हालेलुया। आइए हम और आगे बढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 20:4 पढ़ेंगे। फिर मैंने सिंहासन देखे, मैं सिंहासनों को देखा और उन पर लोग बैठ गया और उनको न्याय करने उनका न्याय करने का अधिकार दिया गया और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु जिसका सिर यीशु के कारण और परमेश्वर परमेश्वर का वचन के कारण काटे गए थे और जिन्होंने ना उसकी मूर्ति का पूजा किया और ना उसका छाप अपने माथे में या हाथों अपने हाथों में लिया, वे जीवित होकर मसीह के साथ हजार वर्ष तक राज्य करता। हालेलुया। 1000 वर्ष का राज्य के बारे में बता दिया। और आगे बढ़ेंगे। जब तक ये हजार वर्ष पूरा नहीं हुआ जब तक ये 1000 वर्ष का साम्राज्य पृथ्वी पर पूरा नहीं हुआ तब तक शेष मरा हुआ लोग जी नहीं उठे। ये शेष मरा हुआ लोग खड़े, प्रेतर ध्यान दीजिएगा, पहले 6 सीरियल का लोग पुनरुत्थान पा लिया। मैं आपको समझा दिया, यीशु मसीह उसके साथ रहस्य आगमन में एक झुंड चला गया, धुलीन और उनका सहेली चला गया। और तीसरा सीरियल में मैं आपको बता दिया ताकि रक्त गवाही लोग नया नियम का रक्त गवाही लोग रूबांध रोके चला गया। उसके बाद आप प्रकाशित वाक्य उसका आप 11 में देख सकते, 2 गवाही रैप्चर होकर जिंदा होकर चले गया। उसके बाद 12 अध्याय में देख सकते हैं पुराना नेम का पवित्र लोग सिंहासन पर चले गया। उसके बाद जो आखिर में हम देखा है ताकि जितने लोग उसी पशु का मूर्ति पूजा नहीं किया उसका छाप नहीं लिया इस कारण रक्त गवाही बना, वो लोग भी जो एंटीकाइस्ट आखिरी 7वां साल का आखिरी में वो लोग भी जीवित होके स्वर्ग आरोहण हो गया। ये 6 सीरियल स्वर्ग आरोहण हो गया तो 1 सीरियल बचा हुआ है। ये 6 सीरियल लोग दोबारा यीशु के साथ वापस आके 1000 साल का राज्य किया है, सिर्फ 1 सीरियल बचा हुआ है। शेष मरा हुआ लोग ये 1000 वर्ष पूरा होने तक जी नहीं उठा। शेष मरा हुआ लोग में कौन कौन आएगा? ये दुनिया का सारी पापी लोग वो लोग अभी तक शेष नहीं उठा है। प्रेज द लॉर्ड। और उतना भी नहीं है, जो मसीह में बपतिस्मा लिया लेकिन पवित्र आत्मा का अनुभव और परिपूर्णता के अनुभव को नहीं पाया लेकिन प्रभु के आगमन में नहीं गया, वो लोग भी यहाँ पर चुड़ा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये लोग कब तक जीने उठेंगे? 1000 साल तक जीने उठेंगे। 1000 साल के बाद ये सारे ग्रुप बचा हुआ सब आदम से लेकर अभी तक वो लोग क्या करेंगे? सिंहासन के सामने जाकर खड़ा हो जाएंगे। तब किताबें खुल जाएगा, किताबें जैसा जैसा लिखा वैसा मरा वालों को न्याय होगा। उसी में सिर्फ एक चीज देखा जाएगा, जिस किसी का नाम जीवन पुस्तक में है वो बच गया, जिस किसी का नाम जीवन के पुस्तक में नहीं है या बपतिस्मा लेकर भी वो गलत काम करने के कारण उसका नाम काटा गया है वो आग और गंधक का झील में डाल दिया जाएगा। ये है सेकेंड पुनरुत्थान सीरियल, सेकेंड बड़ा पुनरुत्थान, ठीक है। वो 7वां सीरियल 1000 साल के राज्य के बाद उठाएंगे। और चे बड़े
धन्य और पवित्र वो है, धन्य और पवित्र वो है जो इस पहले पुनरुत्थान का, पहला पुनरुत्थान का, ये चेस सीरियल वाला है वो पहला पुनरुत्थान का है, हाँ पहला पुनरुत्थान में भागी है, भागी है। ऐसो पर दूसरी मृत्यु, दूसरा मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं है, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। ओ, उनके साथ 1000 वर्ष तक वो लोग राज्य करेंगे। जब 1000 वर्ष पूरे हो चुके, ध्यान दीजिएगा, जब 1000 वर्ष पूरा हो जाएगा तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा, शैतान 1000 वर्ष जेल में रहने के बाद भी वो मन नहीं फिरता है, उनका अंदर सुधार नहीं आता है, शैतानी है। शैतान खुल गया मतलब शैतान का उनका सारी झुंड भी क्या हो गया है, आजाद होके निकल गया है। और उन जातियों को जो पृथ्वी के, वो क्या करता है, उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगे अर्थात गोग और मागोग जो जिनका गिनती समुद्र के रेत के बराबर होगा भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। ध्यान दीजिएगा, शैतान चुड़ गया है तो भी सुधार नहीं पाएगा। शैतान को छोड़िए, 1000 साल इतना बढ़िया एक राज्य में रहकर जीवित परमेश्वर के सामने जिंदा हमारे सामने जो पृथ्वी पर है उन्हीं का देखकर, उनका 1000 साल राज्य में रहने के बाद भी आम आदमी क्या हो जाता है, दोबारा भड़का जाएगा होगा। 1000 साल प्रभु का महिमा में रहने के बावजूद भी वो लोग भरमा जाता है। ध्यान दीजिएगा, दुनिया के लोग वैसा ही है, खुद परमेश्वर इंसान बनकर हमारा बीच में आया, कितना चिन्ह चमत्कार दिखाया तो भी लोग उनका वचन पर विश्वास नहीं किया है, उनका बात पर विश्वास नहीं किया है, क्योंकि हमेशा दिमाग के अंदर वो आदम अव्वा का डीएनए चल रहा है। क्या है वो डीएनए? वो है अन्नाज्ञाकारी, प्रभु का अन्नाज्ञाकारी गिरा हुआ इंसान के दिमाग में वो डीएनए चलता है। जब भी सत्य को बोलिए, सत्य को मान नहीं पाएगा, लेकिन धोखाबाज को बहुत जल्दी स्वीकार कर देगा। जो बुराई है उसको बहुत अच्छा लगेगा। फ्रेज द लॉर्ड। तो सीरियल सिनेमा देखे, कितना घंटा भी देख सकते हैं, भजन को तो सुनिए मन नहीं लगता है, एक मन नहीं हो पाता है। ये क्या है? नेचुरल हो गया। इतना होने के बावजूद भी आखिर में क्या कर रहा है शैतान? जाके खोग और मागोग उसी देश में से लोगों को क्या करता है, इकट्ठा कर देता है। पहले हम देखा है जो एंटीक्रिस्ट का राज्य है वो कहाँ से आया है? रोम से आया है। वो एंटीक्रिस्ट का आत्मा आकर अपना कब्जा में ले लिया, लेकिन अभी क्या होगा, वो पूरा खत्म हो गया। उसी रोम को पूरा प्रभु क्या कहता है, आग में जलाकर खत्म कर दिया। अभी वो कहाँ से आत्मी लोग सारी दुनिया को कौन सा राजधानी बनाकर लेकर आएगा? गोग मागोग इस जहाज से वो सारे सबको लेकर आएगा। हम थोड़ा देखेंगे ये गोग मागोग माने क्या है। एसेकेल का किताब उसका 38 का 1 से लेकर पढ़ेंगे, फिर यहोवा के वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य, हे मनुष्य के संतान अपना मुंह मागोग देश के गोग की ओर करके, जो रोम मागोग देश का गोग से जो रोश मेशेक और तूबल का प्रधान है। ध्यान दीजिएगा, रोश मेशेक दूबाल इन लोग का प्रधान का है, उसका विरोध तुम भविष्यवाणी कर। ध्यान दीजिएगा, ये अंत समय में और इसी युद्ध के बारे में यहाँ पर भविष्यवाणी लिखा है। दोबारा पढ़िएगा उसका 2 से लेकर, हे मनुष्य के संतान अपना मुंह मागोग देश के गोग की ओर करके जो रोश मेशे और तूबाल का प्रधान है उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर। क्या भविष्यवाणी करना है? और ये कह, हे गोग हे रोश मेशेक और तूबल के प्रधान, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देख मैं तेरे विरोध में हूँ, मैं तुझे घुमा ले आऊंगा,
तेरे जबड़ों को आंकड़े डालकर तुझे निकालूंगा निकालूंगा मैं तेरा विरोध में, लेकिन तुमको क्या करूंगा, जबरदस्ती मेरा विरोध में लड़ने के लिए, महापवित्र नगर का विरोध में लड़ने के लिए मैं क्या करूंगा, तुमको घुमा के लेकर आऊंगा। और तेरी सारी जात सेना को भी अर्थात घोड़ों और सवारों को जो सब कवच पहने हुए एक बड़ी भीड़ है, कवच पहना हुआ बड़ा भीड़ है, जो फरी और ढाल लिए हुए सबके सब तलवार चलाने वाले होंगे होंगे, और उनके संग उनके साथ और कौन कौन रहेगा, फारस कुश और पूत को जो सबके सब ढाल लिए टोप लगाए होंगे और गोमेर और उसके सारे दलों को उत्तर दिशा के दूर दूर के देशों के तो गर्मा के घराने और उसके सारे दलों को निकालूंगा। तेरे संग बहुत से देशों के लोग होंगे, तेरे संग और भी बहुत देशों को लोग होंगे इसलिए तू तैयार हो जाओ। बस यहाँ पर देख सकते हैं प्रभु क्या करता है, अंतिम समय में 1000 साल के बाद क्या करें, सबों को यरूशलेम के विरोध में लेकर आएंगे। प्रीतलाल अब और एक वचन भी पढ़ लीजिएगा 39 का, ऐसे के 39 का एक को भी, फिर हे मनुष्य के संतान गोग के विरोध भविष्यवाणी करके ये कह, हे गोग, हे रोश, ये गोग एक रोश, मेशे और तूबल जादियों, और परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं तेरा विरुद्ध हूँ। तो ध्यान दीजिएगा आप बात में टाइम निकाल के ये एसेकल का किताब 38 अध्याय और 39 अध्याय ये दोनों को पढ़ के देखेंगे। यहाँ पर का अंतिम समय का युद्ध के बारे में बता रहा है, ये युद्ध कब का क्या है उसके बारे में बहुत लोग है बहुत प्रकार की अभिप्राय है, बहुत लोग को बहुत प्रकार के अभिप्राय है, क्योंकि इसका जो जो कितना लोग हिस्ट्रिकल जो टीचर्स लोग हैं इससे भी बहुत कुछ फर्क है, लेकिन हम बाइबल का बाइबल से हम देखेंगे। आप मिला तो लेकर आइएगा अब उल्पत्ति का किताब उसका 10 का 1-5 तक, उल्पत्ति का किताब उसका 10 का 1-5 तक। नूह का पुत्र शेम हाम और एपेत थे नूह का पुत्र शेम हाम यापे थे उनके पुत्र जल प्रलय के पश्चात उत्पन्न हुए, जल प्रलय का पश्चात उत्पन्न हुआ है, और उनकी वंशावली ये है, ध्यान दीजिएगा उनका वंशावली यही है, येपेत का पुत्र गोमेर उधर का जो जो देश का नाम आएगा ये पूरा ये लोग का वंशावली का भी नाम, ये लोग जाकर उस देश को क्या कर दिया, अपना अपना नाम से उस देश को क्या कर दिया, कब्जा करके उस देश को क्या कर दिया, खड़ा कर दिया, सगरपड़ा खड़ा कर दिया, नगर को खड़ा कर दिया। आप पढ़ेगा येपेत का पुत्र गोमेर मागोग वहाँ का जो जो नाम आ रहा है वहाँ पर आएगा, बादई यावान तूबल मेशेक और तिरास हुए हैं, और गोमेर के पुत्र अश्कनज रिपक और तूगर्मा हुए और यावान के वंश में एलिशा और तर्शिश और कित्ती और दोदानी लोग हुए, जो तर्शिश ये पूरा नाम थोड़ा आप नोट कर लीजिएगा बाद में इसके बारे में हम समझाएंगे। इनके वंश अन्य जातियों के द्वीपों के देश में ऐसे बढ़ गए कि वे, ठीक है ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या हुआ है, ये लोग का जितना नाम देखेगा उसी नाम से आज दुनिया में जो भी देश देखेंगे उसका हिस्ट्री बनता है। आज जो नो का 3 बेटा है उनका वंशावली का नाम का लेकर आप थोड़ा गूगल के साथ सर्च करेंगे आज दुनिया में कितना प्रकार के देश बढ़ा गया है उसी मेन देश आपको मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड क्यों है ये लोग पूरा क्या है ये सारे देश का मूल पिदाता। प्रेज द लॉर्ड ये लोग क्या है सारे देशों का मूल पिता था, वहां पर युद्ध के लिए जो जो तैयार होने वाला सारे देश का नाम देखेगा इनके साथ आप जोड़ेगा यहाँ पर पूरा पूरा मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड तो आज यहाँ पर बाइबल में लिखा हुआ सारी देश अभी रियली क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेंगे। दुबल वो है अभी का टर्की मतलब हिंदी में तुर्की ओके, फेसिया ये फेसिया तो आप जानते हैं मेदी पेशिया साम्राज्य भी वहां से हुआ है, सारे इसराइलों के साथ पेशिया के साथ क्या है
हमेशा युद्ध है, युद्ध है, युद्ध है। उस दिन में जितना भी दुनिया का, वर्ल्ड का कितना भी साम्राज्य है वो मिडिल ईस्ट से ही हुआ है, कितना भी साम्राज्य मिडिल ईस्ट से, इजिप्ट, उसके बाद असीरिया साम्राज्य, उसके बाद बाबिलोन साम्राज्य, उसके बाद मेदी पर्शिया साम्राज्य, ये सारे कितना भी साम्राज्य देखेगा ये सब कुछ कहा है मिडिल ईस्ट को मद्देनजर रखते हुए आया है। केवल रोम, केवल रोम, केवल क्या हो गया, यूरोप के पास चले गया। फिर इतना ध्यान दीजिएगा, इसलिए ये क्या मेन सेंटर, यही मेन सेंटर जहाँ पर बाबिल था, यहाँ पर बाबिलोन था, यहाँ पर सारे साम्राज्य खड़ा हुआ था, उसी साम्राज्य का सेंटर रख के आखिरी युद्ध परमेश्वर के विरोध में, यीशु मसीह के विरोध में, उनका पवित्र नाम के विरोध में, उनके पवित्र लोगों के विरोध में शैतान दोबारा खड़ा करेगा। ध्यान दीजिएगा, ये नाम पूरा आप नोट कर देगा, इसको पूरा गूगल से और गूगल हिस्ट्री जो ज्योग्राफी के साथ आप जोड़ेंगे आपको सब कुछ मिल जाएगा। पर्शिया, पर्शिया है अभी का ईरान, ईरान को दृष्टांत आता है। फ्रेजलाट अभी पूरा दबा हुआ है, सब दब गया है फ्रेजलाट। और इथियोपिया जो आप लिखा है इथियोपिया, वो साउथ अफ्रीका को वो दृष्टांत देता है। लीबिया वो नॉर्थ अफ्रीका को, अफ्रीका को दृष्टांत देता है। खोगर वो जर्मनी को दृष्टांत देता है। तोगर्मा साउथ रशिया को दृष्टांत देता है। रोस रशिया को दृष्टांत देता है, रशिया। ओके, मेसेक वो मॉस्को जो कैपिटल ऑफ द रशिया उसका दृष्टांत देता है। दुबाल वो है साइबेरिया का जो राजधानी को दृष्टांत आता है, वो साइबेरिया का ही दृष्टांत आता है। और माघो वो है अभी का मंगोलिया का दृष्टांत है। माघो को आप हिस्ट्री में देख सकते हैं, माघो को क्या कर दिया है, हम अभी चर्च के बाद माघो या करके एक देश को खड़ा किया। माघो जो अब जो उनका पोता है, नौ का पोता है, एलमपुर नौ का पोता लोग, नौ का पोता है, वो क्या कर दिया, माँ गोग निकल कर माँ गोगिया करके स्थान को तैयारी किया, वही है मंगोलिया करके अभी हम बुलाए जाते हैं। और इसी तरह ये सारी नौ का पोता लोगों के द्वारा सारी दुनिया भर गया। उसी दिन में तीन तो क्या है महाद्वीप, क्या बोलते महाद्वीप, महाद्वीप बोलते, ये तीन तो महाद्वीप फैलाया गया है टोटल इंडिया वर्ल्ड में। अभी कितना महाद्वीप है, सात महाद्वीप है, क्या क्या, आसिया, यूरोपा, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये सात महाद्वीप था। तो उसी में उस दिन में जाना गया है तीन महाद्वीप तो जाना गया, क्योंकि अमेरिका और आप लोग का जानता अभी लेटेस्ट में वो पूरा क्या गया, खोज किया गया है, जो अमेरिका ऑस्ट्रेलिया ऊपर लेटेस्ट में खोज किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, जो ये तीन महाद्वीप जब आप गहरा उल्पति का गहरा को पढ़ते जाएंगे, ये लोग प्रभु भाषा का तित्र बितर करवा के ये लोग को क्या कर दिया, हर देश में सारी दुनिया में जबरदस्ती प्रभु फैला दिया। अब पढ़ते जाते समय आप देख सकते हैं, तो क्या हुआ है, सेम वो आसिया में रह गया, हम लोग पूरा क्या है सेम का संदान लोग है, जो नो का तीन बेटा है, हम लोग पूरा क्या है सेम का संतान लोग है, उनसे भी उनका पिता के बेटा बेटा उसका पोता गीता इसी तरह होकर के उसमें थोड़ा डिफरेंस होके ओके 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 ये पूरा हो गया है। और हम वो अफ्रीका में अफ्रीका का संतान, अफ्रीका का कितना भी लोग है वो हम के द्वारा हुआ है, हम कौन है साबित वाला है, और साफ अभी तक वो लोग अभी भोगना पड़ रहा है फ्रेजलाट। और है दो याबेद यूरोपा यूरोपियन से, इसी तरह तीन देश दो आसिया और अफ्रीका और यूरोपा, ये तीन महाद्वीप है उसी दिन में जाना गया है, इसी में लोग वो फैल गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ताकि ये आखिरी युद्ध कहाँ से आएगा, ये शैतान इतना भी हजार साल बंद रखने का बावजूद भी जब खोला गया स्वभाव, कुछ लोग कितना भी प्रचार सुनो स्वभाव नहीं बदलता है, वो सुधरेगा नहीं, प्रचार सुनते समय उनका लगेगा हाँ बिल्कुल सही है, ये वजन सही है, वजन के आधार पर सही है, उनका मन बोलता है, मन बोलता है, विवेक बोलता, विवेक बोलता है, ताकि जो वजन हम सुन रहे हैं ये बिल्कुल सच है, बाइबिल के आधार पर वो मानता है, लेकिन थोड़ा दिन के बाद क्या हो जाएगा, अपना जन्म स्वभाव के वश में हो जाता है।
प्रेज द लॉर्ड। आज वो लोग मन नहीं पड़ेगा, वजन सुनेगा, जानकारी ले लेगा, सुनते समय सच में मानेगा वो बिल्कुल सही वजन है, उनका खुद बुद्धि बोलेगा, उनका मन गवाही देगा, उनका अंदर का आत्मा गवाही देगा ताकि जो बोल रहा है वो सब कुछ सही है। लेकिन क्या होगा उसके बाद, उसमें बनी नहीं रहेगा, दोबारा क्या है, दोबारा वही पाप, वही अन्नाज्ञाकारी, वही गंदगी, वही कचरा, वही विभचार, वही चुगली, वही बुराई उसी में बनी रहेगा। कितना भी हजार वजन सुन ले या हजार साल तक भी आपको बंदी करके में रख दे, अल्लाह का स्वभाव नहीं बदल सकता है। देखिए यही दिखाता है ताकि हजार साल यीशु मसीह खुद आकर ये संसार पर धरती पर प्रभु राज्य किया, संसार में राज्य करने का बावजूद भी लोग को दिमाग दोबारा भी शैतान के वश में बस जाता है। प्रिय भाई बहन ये सावधान रहिए, ये पूरा लिखवा के प्रभु हमारे हाथ में दे दिया ताकि अंत समय का लोगों को दृष्टांत के लिए, एक शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बन जाए। वो लोग इतना होने के बाद भी सत्य को नहीं मुड़ता है, आज भी वजन सत्य है। आप आंग बंद करके आप दुनिया को मत देखेगा, दुनिया के लोगों को मत देखेगा, सच्चा को देखे, वजन को देखे। वजन क्या बोला केवल उसके कीजिए, वचन जो बोला उसके आज्ञाकारी बनिए। अपना दिमाग पर मत चलिए, अपना बुद्धि पर मत चलिए, अपना दिन में स्वभाव में मत चलिए, दुनिया नहीं बन पाएंगे। मुझे हे प्रभु करने वाला स्वर्ग में प्रवेश कर नहीं पाएंगे। जो मेरे सारी बातों को सुनकर जो उस पर चलता वो उसी बुद्धिमान मन से चट्टान पर अपना मसीह जिंदगी का नियम बनाया। आज आप किसको मानना चाहते हैं, कलीसिया का नियम, परंपरा, रीति रिवाज, अपना बुद्धि, अपना दिमाग जो सही बोलते वही करना चाहते हैं, या प्रभु का वचन? ये आज भी आपका जीवन में भी परीक्षा है। हम पुराना नियम के लोगों को हम दोष ठहराते हैं, या हजार साल के राज्य में रहने वालों को हम दोष ठहराते हैं, लेकिन हम लोग भी वही तो कर रहे हैं। हम वजन को अच्छी तरह जानकर भी हम पूरा 100% वजन को नहीं मान पाते। जो हमको पसंद लगता है उसको मान लेते हैं, जो पसंद नहीं लगता है उसके साइड रख लेते। कितना भी सच्चाई वजन के आधार पर सुनने का बावजूद भी, जानने का बावजूद भी जो अन्नाज्ञा करिए उन लोग का अंधे ऐसा ही होगा। आपके लिए, मेरे लिए यीशु अपना जीवन देने के बाद भी, नंगा मरने के बाद भी प्रभु का वजन से आप भड़का के क्यों जीना है? वापस आइए। कितना हजार साल होने के बाद भी इंसान का दिमाग अन्नाज्ञाकारी में गिरते रहते हैं, गिरते रहते हैं। जब तक सांब का प्रचार नहीं सुना तब तक उन्होंने ठीक था, केवल प्रभु का प्रचार सुना, हर दिन उनके साथ बात करता, उनका भाषण में रहता। और जब सांब का प्रचार उनका दिमाग मा गया तो डर फायदा हो गया, वहाँ पर बिगड़ना शुरू हो गया, सब खत्म, सब गड़बड़े, सारी दुनिया बिगड़ गया, पृथ्वी बिगड़ गया, सारी जो जानवर लोग बिगड़ गया, सारी कुदरती सब कुछ बिगड़ गया। दोबारा प्रभु हजार साल के राज्य में दोबारा एदेन का महिमा को दोबारा लेकर आने के बावजूद भी इंसान दोबारा भटकना शुरू हो गया। हाँ, पढ़िएगा दोबारा 8 से, प्रकाशित वाक्य 20 का 8 से। और उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र के रेत के बराबर है, भरमाकर, ध्यान दीजिए, भरमाकर, वही आप, वही सर्प जैसा आदि में हवा का भरमाया, वही सर्प सारे लोगों को भी भरमा के लड़ाई के लिए इकट्ठा करने के लिए निकलेगा। और वो सारे पृथ्वी पर फैल जाएंगे और पवित्र लोगों को छावनी, पवित्र लोगों का छावनी इसलिए, और प्रिय नगर को घेर लेंगे और आग स्वर्ग से उतर कर, अभी अंतिम दुनिया को प्रभु कैसा बर्बाद करेगा आग से। पहले नोआ के साथ वाचा बांध लिया, अभी दोबारा में दुनिया को कैसा कदम करेंगे, जल प्रलय से कदम नहीं करेंगे, वाचा दिया कि नहीं, तो अभी ये अंतिम संस्था को कैसा करेंगे, आग गिराकर उन्हें भस्म करेंगे, उसमें भस्म कर। अभी ये सारी पृथ्वी क्या हो जाएगा, तत्व का पिघल जाएगा, ये सब ऐसा वस्तु क्या होगा, आग के लिए रखा हुआ है। पढ़िएगा दूसरा पत्रोस 3:10 से लेकर। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान, प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा उस दिन आकाश बड़े हड़हड़ाहट के साथ, शब्द के साथ जाता रहेगा बहुत ही तत्व होकर पिघल जाएगा पृथ्वी उस पर का सारी काम जल जाएगा।
जबकि ये सारी वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाले हैं, तो तुम्हें तो ध्यान दीजिएगा, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए। भक्ति में चाल चलन में कैसा मनुष्य होना चाहिए। सब खत्म हो जाएगा, पृथ्वी में जो कुछ देख रहा सब खत्म हो जाएगा। सोलह उम्र का जैसा आग और गंधक से जलाकर खत्म किया वैसा ही प्रभु खत्म करेगा। अब लोत का पत्नी का जैसा मुड़कर मत देखिएगा, दुनिया को मत देखिएगा, पीछे को मत देखिएगा, नवा का खंबा बन जाएगा। हालेलुया, वापस आएंगे प्रकाशित वाक्य उसका 20:10। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक के उसी झील में जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा डाल दिया जाएगा। जहां पर उसी झील में झूठा भविष्यवक्ता और पशु डाला गया, हैंड के से डाला गया, उसमें भरमाने वाला शैतान और उनका झुंड भी। हाँ, और वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे। ये सारी दुनिया इसी तरह खत्म होने वाला है, जलकर पिघल कर निकलने वाला है, सारे तत्व तत्व होकर पिघलने वाला है, सारी पृथ्वी का सारे काम जल जाने वाला है। तो हमारा पवित्र चल चलन और भक्ति कैसा होना चाहिए। प्रिय भाई बहन, कहीं बार हम वजन सुनते हैं, वजन सुन के हम मन फिरते हैं, हम निर्णय लेते हैं, लेकिन बने नहीं रह पाते। आज और एक मौका दे रहा, जब सुनते समय हमारा आत्मा खुद गवाही देता, ये सारी वजन के आधार पर यही सच्चे, लेकिन बार बार बिगड़ जाते। क्यों है? आदि से लेकर मनुष्य का जिंदगी का अंदर दिमाग अंदर वो डीएनए चलते आ रहा है, अन्नाज्ञाकारी परमेश्वर का वजन का अन्नाज्ञाकारी। आज भी आप अपने आप को जांच के देखिए, जहां कहीं वजन को जानकर में अन्नाज्ञाकारी है। आप बार बार एक चीज पर दुनिया में कुछ भी चीज से आप समझौता कीजिए, लेकिन वजन के साथ समझौता मत कीजिए। वजन वजन है, आकाश और धरती ठल जाएगा, लेकिन वजन का एक अक्षर एक बिंदु कभी नहीं ठलेगा। आज प्रभु से विनती कीजिए, खुदावंद मालिक, आज जो कुछ वजन में जाना है समझ लिया है, उसका आज्ञाकारी बनकर आखिरी दम तक उसमें बने रहने में प्रभु दया कर। आज ये वजन को सुनने वाला एक भाई बहनों को प्रभु आशीष कर, घर का आशीष कर, बहन को परिवार का आशीष कर, यीशु के नाम से आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम पुत्र प्रभु यीशु का निग्रह पवित्र आत्मा का संग सौभाग्यता हम सबों के साथ सारी पति जन के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक दुनिया के अंत तक बने रहें। आमीन आमीन। हालेलुया, दोबारा कल 5:30 बजे दोबारा मिलेंगे। प्रभु में आशीष करें। प्रेज द लॉर्ड।